children, welcome to our channel EduBoosters. As you all know, we were started the chapter cell, which we have completed two videos. So first of all, if you have not watched all the two videos, so please go through the playlist and check out the two videos, and please usko pura dekhiye tabhi yahan aaiye, tabhi aapko ye sara cheeze samajh mein aane wali hai. So I'm going to show you today various cells from our human body. See, मैंने अलग अलग टाइप के सेल्स बना के रखे हुए हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के हैं. मैंने आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समझाया था. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ. मैंने क्या बताया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब था जब एक ऑर्गेनिज्म एक सेल में ही होता है, एक सेल में उसकी पूरी बॉडी होती है, ठीक है, एक सेल ही सारा काम करता है. मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ सेकेंड वीडियो में, और मल्टी सेलुलर के बारे में बताया था. तो मल्टी सेलुलर का एग्जांपल मैंने आपको ह्यूमन बॉडी भी दिया था. तो ह्यूमन बॉडी में मल्टी सेलुलर का मतलब क्या था, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करते थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो अलग अलग टाइप के सेल कौन कौन से है, ये हमारी बुक में मेंशन है. आप जिस भी बुक से पढ़ रहे होंगे उसमें हो गया, नहीं है तो आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. चलिए आपको वन बाय वन सेल से मिलवाती हूँ. पहला हमारा सेल है, ये देखिए, ये इस तरह का जो बना हुआ है, ये है स्मूथ मसल सेल्स. जो हमारे मसल्स बनते हैं ना, इन्हीं सारे सेल्स के मिलके बनते हैं. और फिर ये दूसरा हमारा ब्लड सेल, जिसको हम लोग जानते ही हैं, ब्लड को तो सब जानते हैं. तो ब्लड जो है, ब्लड एक्चुअली लिक्विड है, पर वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है. अब ये वाला देखते हैं, सुंदर सा प्यारा सा जो इतना बड़ा सा, ये क्या है भाई, ये है नर्व सेल. इसका काम भी बहुत अच्छा होता है, इसका काम हमारे इम्पल्सेस को पहुंचाना होता है. अब बताओ इम्पल्सेस क्या होता है. इम्पल्सेस का मतलब, जैसे किसी ने आपको थप्पड़ मारा, अरे मान लो किसी ने मार ही दिया, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, या मान लो कभी गलती से, भगवान ना करे ऐसा हो कोई आपको थप्पड़ मारे, पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ बस, किसी ने आपको थप्पड़ मारा या खेलते खेलते कहीं चोट लग गई हल्की सी, तो वो चोट लगती है, जो चोट की अनुभूति होती है, हमें फील होता है कि हाँ यार यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो फीलिंग कैसे आती है, इसी नर्व सेल के कारण. ये नर्व सेल जो है पूरे बॉडी में हमारे फैले होते हैं, और ब्रेन से लेके थ्रू आउट द टो, हमारे ब्रेन से लेके हमारे पैर के टो तक पूरे बॉडी में फैले होते हैं नर्व सेल, और इम्पल्सेस को पहुंचाते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं. तो नर्व सेल बताता है हमारे ब्रेन को कि यार चोट लगी है, और ब्रेन फिर हमें मैसेज देता है, मतलब नर्व सेल को मैसेज देता है बताने के लिए कि जाओ उसे बताओ कि वहाँ चोट लगी है, तब हमें फील होता है कि हमें चोट लगी है, ठीक. इतना सारा काम होता है और बहुत कम टाइम लगता है, तो नर्व सेल ये काम करता है, ठीक. और ये ओवम है हमारी, इसके बारे में भी आप अभी आगे पढ़ने वाले हो चैप्टर्स में, ये भी हमारी सेल है. और ये देखो, ये इतना भयानक सा कौन सा है, ये बोन सेल है, ठीक. बोन्स इन्हीं सेल से मिलकर बनते हैं, समझ में आया. और ये देखो इतना मोटा सा बड़ा सा क्या है, मोटू सा बड़ा सा, ये फैट सेल है, ये बहुत सारा फैट स्टोर करके रखा हुआ इसीलिए इतना बड़ा हो गया, ठीक है. ये फैट सेल है हमारा, इसका काम है सिर्फ फैट्स को स्टोर करना. और ये देखो, ये स्पर्म है. स्पर्म और ओवम के बारे में हम लोग साथ में पढ़ेंगे. स्पर्म और ओवम क्या होती है, आप अभी ये समझ लो कि स्पर्म भी एक सेल है, ओवम भी एक सेल है, ठीक है. और ये डायग्राम से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आगे का टॉपिक हम लोग अभी पढ़ते हैं. तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि सेल क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज सेल, इस टॉपिक को पढ़ा था, और मल्टी सेलुलर यूनि सेलुलर के बारे में पढ़ा था, और अभी मैंने आपको अलग अलग सेल के डायग्राम्स भी दिखा दिए. अब हमारा अगला टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. आखिर ये क्या होता है, ये नए नए दो नाम, इसका मतलब क्या होता है, अभी समझाती हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब. बायोलॉजी में ना आपके लिए पढ़ने के लिए एक बहुत सिंपल वे होता है, आप वर्ड्स को ना बस तोड़ दो, आपको उसका मीनिंग आराम से समझ में आ जाता है. जैसे देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक. प्रिमिटिव मतलब प्राचीन. कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. आप पूछो न्यूक्लियस क्या होता है, देखो जब सेल ऑर्गेनेल हम लोग पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस और बाकी सारे ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. अभी आप समझ लो सेल के बीचों बीच, सेल के सारे फंक्शंस को हैंडल करने वाला एक बीच में ब्रेन होता है सेल के, ठीक है, उसी को न्यूक्लियस कहते हैं. अच्छा, तो प्रो मतलब प्राचीन प्रिमिटिव, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है. यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियो का मतलब होता है
न्यूक्लियस। तो देखो आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जब प्राचीन टाइप का न्यूक्लियस होता है सेल में, प्राचीन टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है तो उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्राचीन टाइप के न्यूक्लियस से क्या मतलब है? इसका मतलब है जब पृथ्वी में एवोल्यूशन हो रहा था, मतलब पृथ्वी में जब विकास चल रहा था, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स आए थे। सबसे पहले देखो आपको सिंपल वे में समझाती हूँ, जब टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था तब बड़े बड़े टेलीफोन्स बन रहे थे, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े भारी भारी टेलीफोन्स बनते थे, बहुत कम फैसिलिटी भी होती थी उसमें, ठीक है। धीरे धीरे करके उस पर इन्वेंशंस होते गए, इवोल्यूशन होते गए, मतलब विकास होता गया, हम लोगों ने उस पर काम किया और साइंटिस्ट ने उस पर काम किया और उसको आज इतना मतलब इतना अच्छा है कि हमारे पास एक इतना बड़ा सा बस सेल फोन होता है, इतना बड़ा नहीं और बड़ा होता है, मतलब एज एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, मतलब हमारे पास एक बड़ा सा मतलब छोटा सा मतलब जिसको हम हैंडी मतलब हम हाथ से आराम से पकड़ सकते हैं हमारे हाथों में, उतने छोटे फ़ोन में काफ़ी फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो यही विकास है, ऐसे ही सेल के साथ भी हुआ। पुराना सेल जो था उसमें बहुत चीज़ें नहीं थी, जैसे कुछ ऑर्गेनल्स नहीं थे, कुछ कुछ ही ऑर्गेनल्स थे उसके पास। सबसे पहले अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस से समझो तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पुराने सेल में ना न्यूक्लियस जो था वो उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं था। मेम्ब्रेन पूछो अब क्या होता है मैम, मेम्ब्रेन की मतलब होती है ना बच्चों, मेम्ब्रेन का मतलब कवरिंग। तो जो पुराना न्यूक्लियस है ना उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी, और कोई कवरिंग नहीं होने के कारण वो सेल के बाहर के साइटोप्लाज्म से पूरा मिला हुआ था। आप साइटोप्लाज्म पूछो, साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को छोड़ के जितनी लिक्विड भरी होती है ना सेल में, वो साइटोप्लाज्म होता है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, पहले आप बस ये टॉपिक समझ लो, समझते चलो धीरे धीरे, फिर अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगी। देखो प्रोकैरियोटिक में यही था कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से नहीं बना हुआ, कवर नहीं हुआ था, और उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन जो थे नहीं थे। कौन से मेम्ब्रेन नहीं थे? मोस्टली वो मेम्ब्रेन नहीं थे ना मोस्टली वो ऑर्गेनल नहीं थे, सॉरी मैंने मेम्ब्रेन कहा है, सॉरी वो ऑर्गेनल नहीं थे जिस जो मेम्ब्रेन से कवर थे, ओके समझ गए। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था? न्यूक्लियस जो था वो मेम्ब्रेन से कवर नहीं था, और मोस्टली उनके पास ऐसे सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे जो मेम्ब्रेन से कवर था। अब यूकैरियोटिक में क्या हुआ? यूकैरियोटिक तो इवॉल्व होके आया हुआ था ना, मतलब बहुत अच्छे इवोल्यूशन के बाद आया है, तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे। इसके न्यूक्लियस के पास तो मेम्ब्रेन भी था, और इसके पास ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स थे जो बहुत अच्छा फंक्शन करते थे, मतलब ये सेल ऑर्गेनल मैंने आपको एज एग्जांपल बनाया हुआ है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल थे इनके पास, और कुछ में मेम्ब्रेन भी था, कुछ में डबल मेम्ब्रेन भी था, और कुछ में नहीं भी था ऐसा भी, ठीक है। तो यही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। अब ये टॉपिक हमारा होता है ख़त्म, आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपका। चलो आज के वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक ख़त्म करा दिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे से स्टडी करेंगे और अगली टॉपिक्स को पढ़ते हो जाएंगे। आप देखना जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा आप हर टॉपिक को इंटरकनेक्ट कर पाओगे और आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लोगे, ठीक है बच्चों। तो ज़रूर वीडियोज़ देखते रहें, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट, ओके। सो बी विथ अस, सपोर्ट अस, एंड थैंक यू।